ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देख रहे हो स्क्रीन पर और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल स्टेटस वीडियो हम क्रिएट करेंगे। इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफी ज्यादा आसान है और कम स्टेप में आप क्रिएट कर सकते हो। एंड यार, अभी के समय में इस टाइप का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड में चल रहा है। अगर आपको भी क्रिएट करना है तो मेरे इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लेना, साथ में चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ये जो बगल में बेल आइकन है इसके जो ऑल कर लेना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। सो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो बनाने के लिए हम यहाँ पे VN एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको बहुत सारा एफएक्स, एनिमेशन और इफेक्ट का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो इसलिए हम VN एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे में प्लस वाला आइकन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपको ये 9 सेकंड का इंटर वीडियो को यहाँ पर ऐड कर लेने, देन आपको फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इस टाइप को वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको टोटल यहाँ पर 9 फोटो को ऐड करना है। तो चलिए हम दोनों ऐड कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने वीडियो एंड फोटो दोनों ऐड कर लिया, तो इस तरह से आपको भी ऐड कर लेने। ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना है, एकदम लास्ट पे जाना है। लास्ट पे जाने के बाद यहाँ पे VN आपका देखने के लिए मिल जाएगा वाटरमार्क, तो ये वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करना है और डिलीट वाला ऑप्शन में जाकर डिलीट कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा डिलीट हो चुका है। देन अब क्या करना है, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आना है। आने के बाद यहाँ पे आपको अब सॉन्ग को ऐड करना है। एंड यार, इस वीडियो में जितना भी मटेरियल एंड वीडियो यूज होगा सबका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर होगा, इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए अब क्या करना है, ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे सॉन्ग प्लस वाला आइकन मिलेगा या फिर टैब टू ऐड म्यूजिक वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं म्यूजिक प्लस वाला आइकन में जाना है, माय म्यूजिक में जाकर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप सॉन्ग को ले सकते हो, मतलब वीडियो के अंदर जो सॉन्ग है उस सॉन्ग को यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो देख सकते हो मेरा जो सॉन्ग है ऐड हो चुका है। देन यहाँ पे यूज वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लें तो मेरा जो सॉन्ग है ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेने, करने के बाद अब क्या करना है, आपको सॉन्ग के ऊपर बीट मार्क अब ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको बीट्स वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं स्क्रीन पर एक टाइमिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो वही टाइमिंग को देखना है और यहाँ पे आपको बीट मार्क ऐड करना है। तो सबसे पहले पहला जो टाइमिंग है देख सकते हैं 11.63 है, ठीक है, मतलब 11.63 है। तो आपको यहाँ पे 11.63 में जाना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे में देखते तो रेड जैसा झंडा वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे एक बीट मार्क मेरा ऐड हो जाएगा 11.63 में, ठीक है। और सेकंड जो देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड जो टाइमिंग है 13.59 है, तो आपको यहाँ पे 13.59 में कुछ इस तरह से आपको जाना है, ओके। और यहाँ पे झंडा वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और सेकंड बीट मार्क मेरा ऐड हो जाएगा। तीसरा नंबर बीट मार्क देख सकते हैं यहाँ पे 15.93 है, तो आपको यहाँ पे 15.93 में कुछ इस तरह से आपको जाना है। देन यहाँ पे झंडा वाला आइकन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो तीसरा बीट मार्क मेरा ऐड हो जाएगा। सो टाइमिंग को देखना है और यहाँ पे आपको बीट मार्क को ऐड कर लेना है। तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं, उसके ऊपर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हो मैंने टोटल बीट मार्क ऐड कर लिया सब बीट मार्क, तो इस तरह से आपको भी कर लेने। करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है। तो देख सकते हम सॉन्ग के ऊपर कुछ इस तरह से एरो एरो आ जाएगा, ठीक है। तो एरो एरो आने के बाद क्या करना है, पहला जो एरो है इस एरो के ऊपर क्लिक करना है कुछ इस तरह से, और जो नीचे में जो इमेज मैंने ऐड किया हूँ उस इमेज का ड्यूरेशन को इस तरह से आपको घटा लेना है। तो पहला इमेज का ड्यूरेशन देख सकते हैं यहाँ पे घट चुका है। देन यहाँ पे सेकंड एरो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे सेकंड जो फोटो का ड्यूरेशन है इस तरह से आपको घटा लेना है। देन आपको थर्ड एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे थर्ड फोटो को भी इस तरह से घटा लेना है, मतलब जितना भी फोटो मैंने ऐड किया हूँ सब फोटो का ड्यूरेशन को इस तरह से एरो के ऊपर क्लिक करना है और इस तरह से आपको ड्यूरेशन को घटा लेना है। तो देख सकते हो मेरा हो चुका है एकदम कंप्लीट। तो इस तरह से आपको भी कर लेना है, ठीक है।
होने के बाद अब क्या करना है आपको फोटो में, अब आपको एफएक्स ऐड करना है। तो एफएक्स ऐड करने के लिए यहाँ पे पहले वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं नीचे में यहाँ पे एफएक्स वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे में आपको बहुत सारा एफएक्स देखने के लिए मिलेगा। तो स्क्रीन पर देख सकते हो एफएक्स का नाम दिया हुआ है। तो पहला एफएक्स का नाम देख सकते हैं यहाँ पे जिटर डाउन है। तो आपको यहाँ पे नीचे में बहुत सारे एफएक्स देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जिटर डाउन वाला एफएक्स में जाना है कुछ इस तरह से, और आपको पहला फोटो में ये जिटर डाउन वाला एफएक्स को ऐड कर लेना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। सेकंड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और सेकंड फोटो का जो एफएक्स के नाम को आपको देखना है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, व्हाइट है। तो आपको यहाँ पे एफएक्स वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे व्हाइट वाला ऑप्शन में जाकर ये व्हाइट को ऐड कर लेने कुछ इस तरह से, और ड्यूरेशन को भी घटा लेना है कुछ इस तरह से इसका, ठीक है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। थर्ड फोटो के ऊपर क्लिक करना है और थर्ड फोटो का देख सकते हो एफएक्स का नाम जिटर डाउन है। तो आपको यहाँ पे एफएक्स वाला ऑप्शन में जाना है और आपको जिटर डाउन वाला एफेक्ट को ऐड कर लेना कुछ इस तरह से, ठीक है। देन आपको टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। एंड आपको अब चौथा नंबर वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और फोटो का एफएक्स देख सकते हैं यहाँ पे जूम इन है। तो आपको यहाँ पे एफएक्स वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जूम इन वाला एफएक्स को ऐड कर लेने, ठीक है। देन आपको इसका ड्यूरेशन को इस तरह से लॉन्ग करके टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। तो इसी तरह से आपको सब फोटो में एफएक्स को ऐड कर लेने। ऊपर में देख सकते हैं स्क्रीन पर नाम दिया हुआ है, सब एफएक्स का पढ़ना है और आपको ऐड कर लेने, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देख सकते मैंने यहाँ पे सब फोटो में एफएक्स ऐड कर लिया होते, इस तरह से आपको भी ऐड कर लेने। ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे पहला वाला फोटो के ऊपर आना है कुछ इस तरह से। आने के बाद जस्ट बगल में देख सकते हैं प्लस आइकन देखने के लिए मिल जाएगा। सब फोटो के आगे में देख सकते हैं प्लस प्लस आइकन देखने के लिए मिल जाएगा व्हाइट जैसा। तो इस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको लाइट इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इस लाइट इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और इसका जो ड्यूरेशन है आपको एकदम घटा लेना है कुछ इस तरह से, एकदम आपको 0.2 सेकंड में कर लेने। देन अप्लाई टू ऑल वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो सब प्लस आइकन में ये व्हाइट जैसा इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये व्हाइट इफेक्ट को ऐड कर लेना है। तो देख सकते हो मेरा ऐड हो चुका है। ऐड हो जाने के बाद अब क्या करना, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आना है कुछ इस तरह से। आने के बाद देख सकते हो यार मेरा जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यार देखते तो मेरा जो वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। सो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड वीडियो में कुछ भी डाउट है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक भी कर लेना। एंड अब क्या करना, आपको वीडियो को सेव करना है। ये जो ब्लू जैसा आइकन मिलेगा इसके ऊपर क्लिक करना है और वीडियो को आपको सेव कर लेना है। मेरा जो वीडियो यहाँ पे सेव होना स्टार्ट हो चुका है। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।